अच्छा जी, तो ये फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल है, इसमें सबसे पहला फेज कौन सा है? लीचिंग फेज है, ठीक है। देन वी हैव इक्विलिब्रियम फेज, देन वी हैव डिप्लीशन फेज, देन वी हैव डिप्लीटेड फेज, ठीक है। देन वी हैव रिचार्जिंग फेज। लीचिंग फेज में फ्लोराइड रिलीज हो रहा है इन टू द टूथ स्ट्रक्चर। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है आवाज। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम फेज में फ्लोराइड इक्विवेलेंट हो जाता है और डिप्लीशन फेज में फ्लोराइड अब निकल गया है, थोड़ा सा रह गया है। इनर पार्ट्स पे है ऐसे फ्लोराइड, अंदर की साइड पे है फ्लोराइड, बाकी सारा डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीशन के वक्त पे है। डिप्लीटेड में बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। और रिचार्जिंग फेज में क्या हो रहा है कि रिचार्जिंग फेज में जब आपने कोई भी फ्लोराइड सप्लीमेंट लिया, तो फ्लोराइड सप्लीमेंट की वजह से अब बाहर से आपके पास फ्लोराइड आ गया। तो फ्लोराइड रिचार्जिंग, जहन में रखिएगा कि फ्लोराइड रिलीजिंग मटेरियल्स में ये खास बात होती है कि दे कैन रिचार्ज फ्लोराइड एज वेल। सिर्फ फ्लोराइड लगा दिया नहीं, दे कैन रिचार्ज फ्लोराइड एज वेल। और ये फ्लोराइड मूवमेंट फेज के थ्रू होता है, और इसके जो फेजेस हैं वो लीचिंग फेज है। सबसे पहले ग्लास आयनोमेंट सीमेंट लीच करेगा टूथ स्ट्रक्चर के अंदर। इक्विलिब्रियम फेज है कि अब जब लीच कर गया तो फ्लोराइड दांत के अंदर भी बराबर हो गया, जीआईसी के अंदर भी बराबर हो गया। अब जब मुंह के अंदर कम था तो डिप्लीट होना शुरू हो गया, मुंह के अंदर चला गया, सलाइवा के अंदर चला गया। और डिप्लीटेड फेज में फ्लोराइड जो है डिप्लीट हो गया है, रेस्पिरेशन के अंदर कम है, ठीक है। और जहां पे रेस्पिरेशन के अंदर है वो ज्यादातर इनर पार्ट में है, और टूथ के अंदर थोड़ा बोरा होगा, थोड़ा सा होगा या टूथ के अंदर मौजूद होगा। और रिचार्जिंग फेज में दोबारा जब आपने कोई भी फ्लोराइड का सोल्यूशन लिया, लेट सपोज आपने ड्यूराफाइट यूज किया है। ड्यूराफाइट क्या होता है? ये ड्यूराफाइट वार्निश होता है जो 22,600 ppm का वार्निश होता है। आपने अगर वो यूज किया है तो उसको यूज करने के वजह से ये रिचार्जिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गई फ्लोराइड मूवमेंट साइकिल, ठीक है। अब किसी ने एक बात पूछी थी कि मिरेकल मिक्स क्या होता है।
तो याद रहे कि जब ग्लास आयनोमर सीमेंट में, जब भी आप ग्लास आयनोमर सीमेंट के अंदर मेटल आइंस डाल देंगे या अलॉय इंक्लूड कर देंगे तो उसको सरमेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? सरमेट बोलते हैं. ठीक है, अब याद रहे कि सरमेट किस तरह बनता है. सरमेट जो असल बनता है, एक तो होता है देसी सरमेट जो हम यूज करते हैं. हम क्या करते हैं कि ग्लास आयनोमस सीमेंट के अंदर अलॉय डाल देते हैं, वो वाला अलॉय डाल देते हैं जो हम अमेलगम में यूज करते हैं. इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको. एक मिनट का थोड़ा सा हो जाएगा, एक जस्ट लाइटर मोमेंट हो जाएगा कि आई वेंट टू अ क्लिनिक एंड आई आस्क ड्यूरिंग माय R1 डेज आई वाज यूजिंग सरमेट अलॉट बिकॉज हमारे पास रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट नहीं था. ठीक है, और कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे सीमेंट नहीं यूज हो सकता था. तो हमारे पास एक नॉर्मल सी, जब मैं R1 में आया था तो एक नॉर्मल सी कहानी थी कि जहाँ कुछ मटेरियल नहीं चलता वहां पे सरमेट चलता है. ठीक है, तो उन केसेस में जिन केसेस को सेल्वेज करना होता था, जिन रेस्टोरेंट जिनको बचाना होता था दांत को और उनमें जान नहीं होती थी, कुछ चलाना होता था थोड़े वक्त के लिए, यानी एक्सट्रैक्शन केसेस को सेल्वेज करने के लिए, तो वहां पे सरमेट यूज करता था. तो सरमेट में बहुत ज्यादा यूज करता था. मुझे नहीं पता था, मैं क्लिनिक पे करा था काम, मैंने वहां पर उनको बोला सरमेट ले दो. तो उन्होंने सरमेट को बनाया किस तरह, उन्होंने ग्लास आयनोमस सीमेंट के साथ मर्क्यूरी को ऐड कर दिया. तो जब वो मर्क्यूरी को ऐड कर दिया तो जब मेरे पास लेकर आया तो मैंने कहा कि मे बी उसने अलॉय कम डाला हो, बट उसने वो मर्क्यूरी डाला था तो वो सेट ही ना होकर दे. अब वो सेट ही ना होकर दे, अब उसने पॉली जो उसका पाउडर लिक्विड उल्टा रिएक्शन हो गया, जिसका पाउडर लेना था उसका लिक्विड, जिसका लिक्विड था उसका पाउडर. एग्जैक्टली, तो वो सेट ही ना हो, सेट ही ना हो. अब मैं कह रहा हूँ उसको सेट नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा ये. फिर वो हल्का फुल्का सेट होना शुरू हुआ क्योंकि पॉलीएक्रिलिक एसिड तो डाला था उसने. खैर, हल्का फुल्का सेट होना शुरू किया तो मैंने पीछे देखा, मैंने कहा तुमने किस तरह बनाया, तो मर्क्यूरी की बॉटल देखी मैंने, वहीं पे सारा मैंने वो निकाल दिया. तो दिस ऑल हैपेंस एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह बनता है. ठीक है, लेकिन ये याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मर्करी जो है वो एज ए अलॉय एंड इट्स द ओनली लिक्विड मटेरियल वी आर यूजिंग इन डेंटिस्ट्री मेटल. लेकिन उसके उसका जो जो लिक्विड है वो किसका होना चाहिए, तो ये जो है BCQ के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाँ जी बिल्कुल, लिक्विड हमेशा पॉलीएक्रिलिक एसिड ही होना चाहिए, मर्क्यूरी नहीं यूज करेंगे आप. अच्छा जी, तो मैंने खास तौर पे सरमेट के दो अल्फाज निकाले थे जब मैं लेक्चर दे रहा था, तो मैंने दो अल्फाज खास तौर पे निकाले थे क्योंकि सरमेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा हमारी किताब. ठीक है, सरमेट को मैं बोलता हूँ एक देसी मटीरियल. ठीक है, इट्स अ देसी मटीरियल. एक्चुअली सरमेट वॉज बींग यूज और यूज होता था. और सरमेट किस तरह तैयार होता था? It was made by mixing and then pelletizing under pressure as mixture of glass and metal powder. और pellets बन जाते थे उसके, जिनको fuse किया जाता था 800 degree पे जाके. 800 degree पे जाके उन pellets को fuse किया जाता था, मतलब जो powder glass ionomer cement का जो powder था उसके साथ में alloy particles को 800 degree पे लेकर जाकर fuse करा जाता था और उसके particles बनाए जाते थे और वो powder के अंदर finally डाले जाते थे. और वो पाउडर में जो नॉर्मली यूज होता था वो हम लोग सिल्वर टिन यूज करते हैं, अलॉय सिल्वर टिन यूज करते हैं, वो सिल्वर पैलेडियम यूज हुआ करता था. ठीक है, लेकिन मसला क्या है, अगेन मसला वही है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गई ग्लास आयनोमर सीमेंट की और उल्टा उसका कम हो गया, फ्लोराइड रिलीज कम हो गया. ठीक है, और अगेन दूसरी बात, कोई वेयर प्रॉपर्टीज बढ़ी नहीं, इनफैक्ट वेयर प्रॉपर्टीज को कहते हैं कि कम हो गई, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गई ड्यू टू द एडिशन ऑफ द अलॉय. आज भी पाकिस्तान में कराची में सरमेट बहुत ही यूज होता है और डेंटिस्ट यूज करते हैं और हम लोग, मैंने भी यूज किया है. और एट टाइम्स जब कुछ नहीं होता किसी क्लिनिक पे और सरमेट होता है तो वी हैव टू यूज दैट. But again, it is so not... बेहतरीन material with respect to all, मतलब time कम हो, saliva जैसा भी हो. जुगाड़ू material है. जुगाड़ू material तो I guess it is not to be discussed here in the lecture. Okay, I know this lecture will go to many people and this lecture will be heard by many people and I don't want any controversy regarding it. It's a desi kind of a material which I would say should not be used. And there are better materials available. If you want to do dentistry, do good dentistry. Otherwise, don't do. ठीक है, ये मेरा मौकफ है और रहेगा इंशाल्लाह.
लेकिन जुगाड़ है एक, तो इसको जुगाड़ ही रहने दें। और जुगाड़ हमने बनाई है, आइडियली मटेरियल सरमेट मिलता है और मिलता था, उसमें सिल्वर पैलेडियम यूज होता था, ठीक है, और 800 डिग्री पे जाके उसके पैलेट्स बनते थे, ठीक है, और वो इनकॉर्पोरेट होते थे। उस तरह नहीं होता जिस तरह हम करते हैं, हम जो करते हैं वो एक देसी मटेरियल करते हैं जो के नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोमस सीमेंट, हमने कवर कर लिया है। अच्छा हाँ, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोमस सीमेंट में एक बात रह गई थी, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोमस सीमेंट्स की जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, वो पानी बहुत ज्यादा पी लेता है। जब वो पानी बहुत ज्यादा पी लेता है तो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन कर लेता है, वो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन की वजह से इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन थिन कनाल्स। अगर आपको एज अ कोर बिल्डअप यूज करें इन एंटीरियर टीथ जिनमें नैरो चैम्बर्स हैं, तो ग्लास रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोमस सीमेंट यूज करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि वो पानी पी लेगा, वो पानी पीने की वजह से हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन कर लेगा। जब वो हाइग्रोस्कोपिकली एक्सपेंड कर जाएगा तो दांत के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कोई बात रह गई हो, कोई ऐड करना चाहता हो तो मोर देन वेलकम है, ठीक है। पाउडर लिक्विड या पेस्ट पेस्ट सिस्टम में यूज होता है, वाटर भी होता है रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोवा सीमेंट में, दोनों तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी होता है और इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन भी हो रहा होता है। आई गेस इनफ ऑफ इट, ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर टॉपिक विच इज कॉम्पोमर्स, ठीक है। अच्छा जी, आई गेस ओके। सो इधर किसी को कोई सवाल पूछना है? हमने अब तक जो सेटिंग रिएक्शन की बात कर ली है वो ग्लास एनोवा सीमेंट्स की भी बात कर ली है, अब हम आ रहे हैं आईएमएम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पोमर्स। कॉम्पोमर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रिवेंटिव 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 रेस्टोरेटिव मटेरियल का आपका सवाल लाजमी आता है, बहुत सालों में आया है, कभी उसमें कॉम्पोमर आ जाता है, कभी जियोमर आ जाता है, कभी ग्लास एनोमस सीमेंट आ जाता है, कभी सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड आ जाता है, कभी फ्लोराइड रिलीजिंग मटेरियल में से फ्लोराइड, कोई फ्लोराइड के सवाल पूछ लेते हैं कि फ्लोराइड 6 ईयर्स में कौन सा फ्लोराइड यूज, 6 और ग्रेटर देन 6 ईयर्स वाला चार्ट पूछ लेते हैं आईएमएम में, तो ये सारे सवाल आते हैं। याद रहे, लिख लें इस बात को, प्रिवेंटिव रेस्टोरेटिव मटेरियल्स में ये सारी चीजें आती हैं, और प्रिवेंटिव रेस्टोरेटिव मटेरियल्स एक मटेरियल दफा रिपीट कर दें प्लीज, मटेरियल प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। ग्लास एनोमस सीमेंट्स है, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोमस सीमेंट्स है, कॉम्पोमर्स है, जियोमर्स है, वी हैव सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, एसिड एसिड फॉस्फेटेज एसिड्यूलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड है, ये सारी चीजें वार्निशेज हैं, डेली रिंसेज हैं, फ्लोराइड जेल्स हैं, ये सारी चीजों के बारे में सवाल आ सकता है आपका फ्लोराइड से रिलेटेड, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉम्पोमर्स, कॉम्पोमर्स क्या होते हैं, कॉम्पोमर्स को एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स भी कहते हैं, एसिड मॉडिफाइड कॉम्पोजिट्स भी कहते हैं, मोर ऑफ कॉम्पोजिट्स होते हैं, मोर ऑफ कॉम्पोजिट्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्पोजिट के फीचर्स होते हैं इसमें, लेस ऑफ ग्लास आयनोमस सीमेंट्स होता है, ठीक है जी। इसके अलावा होता क्या है, मैं थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ कॉम्पोमर्स की। कॉम्पोमर्स डेवलप हुए हैं आफ्टर रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स, क्यों रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स के बाद कॉम्पोमर्स आए, इसीलिए आए कॉम्पोमर्स क्योंकि ऐसा मटेरियल चाहिए था जो के सर्वाइकल एरियाज में क्लास 5 रेस्टोरेशन में यूज हो। क्लास 5 रेस्पिरेशन में रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनोवा सीमेंट हमें बता दिया यूज होते हैं, क्लास 3 में भी यूज होते हैं, लेकिन इनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि दिखने में भी अच्छा हो, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा बेहतर हो, हैंडलिंग ज्यादा बेहतर हो।
जिन लोगों ने रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट, आप लोग में से कोई है जिन्होंने रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट यूज किया है? आई नो डॉक्टर आयशा ने यूज किया है कॉलेज में, आप में से कोई है? मैंने भी यूज किया था जी सर, मैंने यूज किया था। राजीव भाई आपने यूज किया है? डॉक्टर साहब सीएमएच में मैंने जब पोस्टिंग थी तो लम्स में तो नहीं होता, तो वहां पे मैंने एक दफा यूज किया था। तो जिन जिन ने मुझे ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा, वो भी मैं पिक्चर भेज देता हूँ, मेरे पास तस्वीर मैंने खींची हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। जिन जिन्होंने यूज किया है उनको एक बात पता होगी, जो विट्री मर होता है बहुत स्टिकी होता है, यूज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव यूज्ड इन माय रेजिडेंसी में हमारे आखिरी में जाके, विट्री बॉन्ड तो शुरू से था हमारे पास, आखिरी में जाके मैंने बड़ी कोशिश करके विट्रीमर मंगवाया था, तो आई हैव यूज विट्रीमर और पर्सनली आई फील बहुत स्टिकी होता है, ठीक है, यूज करना काफी मुश्किल होता है। आई हैव यूज द पाउडर लिक्विड वाला, ठीक है, उसके अंदर होता ही है कि एक अलग से कंडीशनर भी देते हैं वो, फिर पाउडर लिक्विड होता है उसका, और उसके बाद अलग से वार्निश भी देते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए, ठीक है, पूरा सिस्टम होता है। तो ये हैंडलिंग बहुत खराब थी रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट की, तो इन्होंने कोई ऐसा मटेरियल निकालना था जिसकी हैंडलिंग और अच्छी हो, ठीक है, तो इंक्रीज हैंडलिंग प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। गंदी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मार्जिनल अडेप्टेशन इतनी अच्छी नहीं है इसकी, ठीक है, मार्जिनल अडेप्टेशन इतनी अच्छी नहीं है इसकी, ठीक है, स्ट्रेंथ बेहतर है, इंक्रीज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, क्लास फाइव में यूज कर सकते हैं इसको आप, ठीक है, शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, टॉर्जनल स्ट्रेंथ भी अच्छी है इसकी, ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सारी स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी। फ्लोराइड रिचार्ज और फ्लोराइड रिलीज मॉडरेट है इसका, ठीक है, फ्लोराइड रिचार्ज और फ्लोराइड रिलीज इसका मॉडरेट है, जैसा किताब में मौजूद है, लिखा हुआ है चार्ट नंबर 14-1 में कि इसका कॉम्पोमर का मॉडरेट है दोनों चीजें, फ्लोराइड रिलीज और फ्लोराइड रिचार्ज, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सेटिंग रिएक्शन की तरफ, सब मुतवज्जा हो जाए, सेटिंग रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब सेटिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है, सेटिंग रिएक्शन में उसी तरह ही वो ही सारे मामलात हैं जो कि कॉम्पोजिट्स के अंदर हैं। कॉम्पोजिट के अंदर क्या होता है, डायमेथाक्लेट ग्रुप्स होते हैं। अच्छा याद रहे, कॉम्पोजिट जो है ना वो सिंगल ट्यूब सिस्टम में आ रहा है, जिस तरह कॉम्पोजिट आता है ना उसी तरह कॉम्पोमर आ रहा है, ठीक है, सिंगल ट्यूब सिस्टम, और दूसरा रिक्वायर बॉन्डिंग प्रोटोकॉल, इधर तक क्लियर है सबको, बॉन्डिंग प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मतलब जिस तरह आप कॉम्पोजिट को यूज करते हैं एच बॉन्ड सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप टोटल एच करें चाहे आप सेल्फ एच करें, रिक्वायर बॉन्डिंग प्रोटोकॉल, सिंगल ट्यूब सिस्टम रिक्वायर बॉन्डिंग प्रोटोकॉल। अब इसके सिंगल ट्यूब सिस्टम में किस तरह इसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, बड़ी मजे की कहानी है, जब मैंने पढ़ी थी पहली दफा तो मैंने बोला वाकई यार जबरदस्त कहानी है। इन्होंने वही कॉम्पोजिट रखा है जिस तरह कॉम्पोजिट होता है, कॉम्पोजिट के अंदर क्या क्या होता है आपके पास, बीसीएमए यूडीएमए होता है, ठीक है, फिलर्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास साइलेन कपलिंग एजेंट होता है, ठीक है यही सारी चीजें हैं इसमें भी। इसके साथ क्या ऐड कर दिया इन्होंने, पॉलीएक्रिलिक एसिड, ठीक है जी, ये ऐड कर दिया इन्होंने, फंक्शनल मोनोमर ऐड कर दिया पॉलीएक्रिलिक एसिड, ठीक है, और वाटर नहीं ऐड किया, याद रहे इसमें वाटर मौजूद नहीं है, ठीक है, और फिलर्स में इन्होंने क्या ऐड किया है, फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास, और इसको पार्शली साइलेनाइज कर दिया है, क्या किया है इसको, पार्शली साइलेनाइज कर दिया है इसको,
ये सारी चीजों को इन्होंने मिक्स कर दिया है और इन्होंने कॉम्पोजिट के फॉर्म में दे दिया है। अब होता क्या है, अब कहते हैं कि ये फ्लोराइड रिलीज करता है, जब आपने टूथ स्ट्रक्चर पे लगा देता है तो फ्लोराइड रिलीज करता है। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट से कम फ्लोराइड रिलीज है और ग्लास आयनोमा सीमेंट से भी कम फ्लोराइड रिलीज है, यानी फ्लोराइड रिलीज मॉडरेट है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर प्रोमिनेंट रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही है जो नॉर्मल कॉम्पोजिट्स में होती है। मैंने कहा भाई जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही है और आपने साइलेनाइजेशन भी कर दी है फिलर की, फ्लोरा एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की, यानी फ्लोरा एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास को भी आपने कह रहे हैं साइलेनाइज कर दिया है या कह रहे हैं पार्शली साइलेनाइज कर दिया है, तो फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास को तो आपने बंद कर दिया है और उसके उसको बंद करके आपने रेजिन के अंदर डाल दिया है, साथ में एक्रिलिक एसिड भी डाल दिया, पानी नहीं डाला, तो अब रिएक्शन किस तरह होगा। हमने पहले बात की थी कि जब तक आपका एसिड और बेस मौजूद हो, एक ही जगह पे मौजूद हो जिस तरह इसमें मौजूद है, लेकिन पानी ना हो तो क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता, एसिड और बेस आपस में नहीं मिलते। जब एसिड और बेस आपस में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, फ्लोराइड रिलीज नहीं होगा, फ्लोराइड आयंस रिलीज नहीं होंगे। तो फिर अगर आपने फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास डाल दिया है और साथ में पानी नहीं डाला तो ये किस तरह फ्लोराइड रिलीज करेगा, एच किया, बॉन्ड किया, कॉम्पोजिट की तरह लगाया इसको क्लास फाइव रेस्टोरेशन में, ठीक है, उसी तरह ही आपने कॉम्पोजिट की तरह लगाया, उसी तरह ही बेबलिंग की, सारा फीचर वही किया जो कॉम्पोजिट की तरह करना है, लेकिन आप एंड में बोल रहे हैं कि फ्लोराइड रिलीज करता है। तो भाई फ्लोराइड कैसे रिलीज करता है, तो जब जब बाद अंदर तक घुसा मैं इसमें तो मुझे पता चला कि भाई फ्लोराइड इस तरह रिलीज करता है कि इसके अंदर इन्होंने रेजिन है, इसके अंदर हमें रेजिन की खसूसियत पता है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेजिन के अंदर एक खसूसियत होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, पानी को जज्ब करती है, तो भाई रेजिन तो उसके अंदर मौजूद है, तो रेजिन में रेजिन की वजह से जब पानी अंदर आएगा कॉम्पोमर के, जब कॉम्पोमर के पानी अंदर आएगा तो जैसी जो पानी अंदर इम्बाइबेशन करेगा उस पानी की मौजूदगी में इसका एक्रिलिक एसिड जाकर रिएक्ट कर जाएगा फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास से, और एक्रिलिक एसिड जब ग्लास के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि वो ही रिएक्शन हो जाएगा, एसिड और बेस रिएक्शन जो कि ग्लास आयनोमोसिमेंट में होता है। तो कहते तो यही है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही है, लेकिन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के साथ साथ इसमें जब पानी जज्ब होता है अंदर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन के लिए, जब पानी जज्ब होता है तो उस पानी की वजह से ये दोनों चीजें रिएक्ट कर जाती हैं और इसकी वजह से निकलना शुरू हो जाते हैं क्या, फ्लोराइड आयंस, और वो फ्लोराइड आयंस निकलते हैं तो उनका अफेक्ट क्या होता है, एंटी कैरियोजेनिक अफेक्ट होता है। हाँ जी, तो बात समझ में आई आप लोगों के, उड़ंचू हो गई ऊपर से, हाँ जी आप लोगों को बात समझ में आई सर जी, थोड़ी सी आई है थोड़ी सी आई है, ठीक है। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I am emphasizing compomers, zeomers, resin modified glass ionomer cement. मैंने भी जब पहली दफा पढ़े थे बहुत मुश्किल से एक्सप्लेन करने, बहुत मुश्किल होता है उनको समझना, क्यों जाजिब भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत डीप और काफी कंफ्यूजन वाले, क्योंकि इंटरलेटेड है तो यहाँ की चीज हुआ, यहाँ की चीज हुआ, तो हो जाती है। एग्जैक्टली सर, ये जो थोड़ा सा ये आपने मैकेनिज्म समझाया है कि ये जो एसिड बेस रिएक्शन होता है और उसमें फिर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है, ये सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें याद रहे, अब मैं रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट से इसको रिलेट करते हुए चलूंगा। रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट और कॉम्पोमर्स में क्या फर्क है, ठीक है? कॉम्पोमर्स और रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में फर्क यह है कि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में हमारे पास एसिड था, पॉलीएक्रिलिक एसिड, इसमें भी एसिड मौजूद है पॉलीएक्रिलिक एसिड, वहां पे बेस थी फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, ठीक है, यहाँ पे भी मौजूद है फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। वहां पे रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट में
लिक्विड के अंदर वाटर भी मौजूद था, ठीक है, रेजन भी मौजूद था, हीमा भी मौजूद था, और सब आपस में रिएक्शन कर रहे थे, राइट। और जब सब चीजें आपस में रिएक्शन कर रही थी तो एक मुरक्कब बन गया था जो कि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट कहलाता था, जिसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा था और जिसके अंदर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी हो रही थी, यानी कि रेजिन भी आपस में को पॉलीमराइज होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से आयनिक बॉन्डिंग भी हो रही थी, ठीक है। एज कंपेयर टू कॉम्पोमर, कॉम्पोमर के अंदर यही सारी चीजें हैं, लेकिन पॉल उसके अंदर एक चीज नहीं है जो क्या है, वाटर। वो वाटर इन्होंने क्यों नहीं डाला है इसके अंदर? चूंकि रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट्स में मसला क्या हो रहा था कि जब पानी डाल दे, जब एक चीज को पानी लग जाता है तो उसमें वेयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है उसकी, मतलब वो झड़ता रहेगा, वो उसके अंदर अभी भी ग्लास आयनोमर वाला इफेक्ट है, वो वेयर होता रहेगा क्योंकि उसके अंदर पानी है और पानी के साथ एसिड है, तो एसिडिक होने की वजह से जब वो मुंह के अंदर सलाइवा से कांटेक्ट में आएगा तो वो मुसलसल एक सीमेंट की तरह वो झड़ता रहेगा। लेकिन जब अब बात करते हैं कॉम्पोमर की, तो कॉम्पोमर एक प्लास्टिक है, समझें, और प्लास्टिक के अंदर उन्होंने दो चीजें डाली हैं ग्लास वाली, एक तो डाला है ग्लास का चूरा और डाला है एसिड, लेकिन दोनों सेपरेट सेपरेट डाला है, दोनों अलग अलग पड़ा हुआ है, दोनों का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो इसीलिए डाला है दोनों को अलग अलग के वो दोनों रिएक्ट ना करें, क्योंकि जब दोनों रिएक्ट कर जाएंगे आपस में तो वही बन जाएगा रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट। तो इनको चाहिए था कि इन्होंने इनको चाहिए है कि इन्होंने एक ऐसा सीमेंट बनाए जो कि हो तो कॉम्पोजिट लेकिन बहुत ही कम कम वक्तों पे जब नीडेड हो फ्लोराइड रिलीज करना तो वो फ्लोराइड रिलीज करे। इन्होंने रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोवा सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, उन्होंने उसकी ताकत को बढ़ा दिया। किस तरह बढ़ाया ताकत को? कि उन्होंने उसमें पानी कम कर दिया, पानी नहीं डाला। पानी क्यों नहीं डाला? अगर पानी डालते तो दोबारा ये दोनों मिल जाते, फ्लोरो एल्युमिनियम सिलिकेट ग्लास और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन्होंने पानी नहीं डाला इसमें। जब पानी नहीं डाला है अब तो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, जब दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो एक एसिडिक रिएक्शन नहीं होगा, जो कॉम्पोमर है वो मोर ऑफ कॉम्पोजिट रहेगा, ठीक है। एसिडिक रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन कब होगा? जब वो कॉम्पोमर के अंदर पानी आएगा। पानी कहाँ से आएगा? जब आपके मुंह के अंदर कॉम्पोजिट लगा हुआ होगा, जब आपके मुंह के अंदर रेस्पिरेशन हुई भी होगी और आप नॉर्मली कर रहे होंगे, अपनी चीजें कर रहे होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे, तो जब वो पानी रेजिन एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा पानी अंदर आएगा और उस पानी की वजह से ये पॉलीएक्रिलिक एसिड जो कि फंक्शनल मोनोमर है वो रिएक्ट कर जाएगा फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास से, जो कि अलग अलग पड़े हुए हैं, थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा, उस थोड़े से रिएक्शन की वजह से वो फ्लोराइड रिलीज कर देगा। तो जब ही इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी रहेंगी, ये ताकतवर रहेगा, और जब ये ताकतवर रहेगा तो जब ही इसको अच्छे से हम यूज कर सकते हैं इन क्लास 5 रेस्टोरेशंस। और ये कॉम्पोमर जिस नाम से अवेलेबल होता है वो कहलाता है डायरेक्ट। मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान सर क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है डाई क्या? है, डायरेक्ट ब्रांड नेम इसका है डायरेक्ट। ये पेपर में पूछ लेते हैं अक्सर ये चीजें, सर स्पेलिंग बताएं सर क्या डाई? आप लोगों को मेरे स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? हाँ सर ठीक है, हाँ सर आ रही है, ठीक है आ रही है ना? बस ठीक है, ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट, हाँ जी डायरेक्ट लिखा हुआ, ठीक ठीक है है जी। सर, थैंक तो वो यू, कहलाएगा थैंक यू सर। डायरेक्ट, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं जियोमर्स की तरफ। किसी को कोई सवाल पूछना है?
हम आगे चलें। अच्छा जी, अब जिस तरह कॉम्पोजिट्स मोर ऑफ जिस तरह जिस तरह कॉम्पोजिट्स जो थे जिस तरह कॉम्पोमर्स जो थे वो मोर ऑफ कॉम्पोजिट्स से लेस ऑफ ग्लास आयन और सीमेंट से, इसी तरह जियोमर जो है वो मोर ऑफ ग्लास आयन और सीमेंट्स है और लेस ऑफ कॉम्पोजिट्स है। ठीक है जी, अब जियोमर में क्या हो रहा है, हमने बात कर ली रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट की बात कर ली, रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमस सीमेंट की बात कर ली, कॉम्पोमर की बात कर ली, अब जियोमर में क्या हो रहा है। जियोमर में जिस तरह इन्होंने, अब दोबारा कॉम्पोमर आएगा, तो अगर कॉम्पोमर जिसने नहीं समझा होगा तो वो रिकॉर्डिंग में देख ले, समझ ले, क्योंकि वरना जियोमर समझ नहीं आएगा। जियोमर में भी वही है, सिंगल ट्यूब है, ठीक है, बॉन्डिंग प्रोटोकॉल नीडेड होगा, ठीक है जी। तीसरी चीज के सिंगल ट्यूब है, बॉन्डिंग प्रोटोकॉल नीडेड होगा, हाँ जी यही है, ठीक है। अच्छा जी, अब जियोमर में क्या हो रहा है कि जियोमर में कॉम्पोजिट की तरह ही है, एच करना है, बॉन्ड करना है, ठीक है, और जियोमर लगाना है, ठीक है। अब जब जियोमर आप लगाएंगे तो अब जियोमर में नया क्या है, कॉम्पोमर में इन्होंने दोनों पार्टिकल्स डाले थे, फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट भी डाला था और साथ में एसिड भी डाला था, लेकिन दोनों अनरिएक्टेड था, ठीक है, और वॉटर नहीं था, ठीक है। अब यहां पर क्या है जियोमर में कि इन्होंने बाहर ही नॉर्मल कॉम्पोजिट ही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल कॉम्पोजिट ही है जियोमर में, बिस जीएमए भी है, फिलर भी है, कैम्फर क्यूनोन भी है, जिस तरह कॉम्पोमर में था, केमिकली केमिकली क्योर वाले एलिमेंट्स भी हैं और लाइट क्योर वाले एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिलर कंटेंट में क्या है, फिलर कंटेंट में इनके पास है इनके पास है प्री रिएक्टिव ग्लास आयनोमर टेक्नोलॉजी, प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोमर टेक्नोलॉजी। अब ये प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोमर टेक्नोलॉजी थोड़ी समझ लें, कॉम्पोमर में इन्होंने अलग अलग दोनों चीजें डाली हैं और पानी नहीं डाला, पानी कहाँ से आ रहा है, जब मुंह में लगा दिया वहां से पानी ले रहा है वो, इसके अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी इसके अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की, इसके अंदर इन्होंने फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास को एसिड के साथ पहले ही रिएक्ट करवा लिया, क्या किया, फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास प्लस पॉली एक्रिलिक एसिड को, दोनों को पहले ही रिएक्ट करवा लिया, प्री रिएक्टेड है ये, दोनों को रिएक्ट करवा लिया और एक ऐसा मटेरियल बना लिया जिसके अंदर फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास हो, और ये मटेरियल को इन्होंने बनाने के बाद इसको साइलेनाइज करवा लिया, मतलब इसकी बॉल्स बनवा ली। जियोमर में कॉम्पोजिट के अंदर प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोमर दो कंपोनेंट, ठीक है, इसको इसकी बॉल बना ली, फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास और पॉलीएक्रिलिक एसिड को मिलाकर ग्लास आयनोमर्स की बॉल बना ली और इसको कह दिया प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोमर टेक्नोलॉजी। और ये जीआईसी की जो बॉल्स थी, छोटी छोटी बॉल्स थी, इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया इन्होंने कॉम्पोजिट के अंदर, जो हमारा नॉर्मल कॉम्पोजिट होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जब ये इनकॉर्पोरेट हो गई है तो अब इस, चूंकि ये प्री रिएक्टेड है, अब ये जाहिर सी बात है आयंस निकाल सकती हैं, जिस तरह हमारा नॉर्मल ग्लास आयनोमर सीमेंट, हमने पढ़ा था कि ग्लास आयनोमर सीमेंट जब हम मिलाकर उसको कैविटी के अंदर डालेंगे तो कैविटी के अंदर डालेंगे जब, तो फ्लोराइड आयंस रिलीज करना शुरू कर देगा, इसी तरह इन्होंने
फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास और पॉलीएक्रिलिक एसिड को मिलाया, और इसके इसको इन्होंने इसको मिलाने के बाद इसको प्री रिएक्टेड फॉर्म में कॉम्पोजिट के अंदर डाल दिया। जब ये कॉम्पोजिट के अंदर चला गया, अब ये फ्लोराइड आयंस रिलीज करेगा। अब थोड़ी सी ट्वीकिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इन्होंने दो तरह के बनाए ये प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोड टेक्नोलॉजी। इन्होंने दो तरह की बनाई, एक सरफेस पीआरजी बनाई और एक फुल पीआरजी बनाई। अब तक फॉलो कर रहे हैं? यहां तक फॉलो कर रहे हैं? समझ में आ रहा है यहां तक? एक सरफेस पीआरजी बनाई और एक फुल पीआरजी बनाई। अब सरफेस पीआरजी जो बनाई इन्होंने, मेरे सर ये पीआरजी से क्या स्टैंड फॉर? ख्याल से आप फॉलो नहीं कर रही लेक्चर। मैंने अभी एक सेकंड पहले दो तीन दफा बताया। देखें, जियोमर्स मोर ऑफ ग्लास आयनोवा सीमेंट्स है और इनके अंदर पीआरजी टेक्नोलॉजी है, प्री रिएक्टिव ग्लास। प्री रिएक्टेड ग्लासेस, ठीक है, सॉरी सर। जी, फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास और पॉली एक्रेलिक एसिड, ये दोनों मिल जाएगा तो प्री रिएक्टेड ग्लास आयनोमर सीमेंट बन जाएगा। अब ग्लास आयनोमर सीमेंट जो प्री रिएक्टेड बन गया है, वो छोटे छोटे उसके बॉल्स बना लिए, उनको फ्रीज ड्राई कर लिया, ठीक है, उनको ठंडा कर लिया, डाई ड्राई कर लिया, उनको उनको एक प्रोसेस से गुजारा जिसको फ्रीज ड्राइड प्रोसेस कहलाता है। उनको मिल किया, उनको मिल किया मतलब मिलिंग मशीन में डाला, उनको छोटा छोटा किया और उनको कॉम्पोजिट के साथ उनको साइलेनेट किया, उनके ऊपर कपलिंग एजेंट लगाया ताकि वो कॉम्पोजिट के अंदर जाके जुड़ जाए रेजिन मैट्रिक्स के साथ, और उन मैट उस मैट्रिक्स को डाल दिया, उस पीआरजी को साइलेनेट करके इन्होंने कॉम्पोजिट के अंदर डाल दिया। अब याद रहे ये पूरा फुल रिएक्टेड है। जब ये फुल रिएक्टेड होगा तो क्या करेगा, ये रिलीज करता रहेगा फ्लोराइड आयंस। जब ये फ्लोराइड आयंस रिलीज करता रहेगा, उसका फायदा ये होगा कि ये एंटी कैरियोजेनिक अफेक्ट शो करेगा, ठीक है जी। तो अब इसमें दो तरह के पीआरजी हैं, एक सरफेस पीआरजी है और एक फुल पीआरजी है। सरफेस पीआरजी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन हुआ हुआ होता है उसका, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की सरफेस के ऊपर, मतलब सिर्फ सरसरी रिएक्शन हुआ हुआ होता है। सारा फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास और एसिड मिला हुआ नहीं होता आपस में। और एक होता है फुल पीआरजी, इसमें सारा सारा फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के हैं। अब जो सारा मिलावा है उसका फायदा क्या है कि इसमें इंक्रीज फ्लोराइड रिलीज होगा, और जो सिर्फ सरफेस मिली हुई है उसमें क्या होगा, डिक्रीज फ्लोराइड रिलीज होगा। तो बात यहां पे आ जाती है कि भाई क्यों बनाया सिर्फ सरफेस रिएक्शन, क्यों यहाँ पे सिर्फ वैसे पूरा रिएक्शन नहीं करवाया। भाई करो तो काम पूरा करो, सही से करो, पूरा फ्लोराइड रिलीज करवाओ। तो इसीलिए नहीं किया, क्योंकि जब ज्यादा फिलर मौजूद रह जाएगा, फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास फिलर का ज्यादा कॉन्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ भी देगा ये। फ्लोराइड तो रिलीज कम होगी लेकिन फिलर तो है ना वो, याद रहे कॉम्पोजिट में डॉक्टर जाजिम मेमन ने बताया था कि जितना ज्यादा फिलर होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो एस पी आर जी का फायदा क्या हुआ, सिर्फ सरफेस रिएक्टेड, सिर्फ सरफेस रिएक्टेड। उसका फायदा क्या हुआ कि वो ज्यादा स्ट्रेंथ। फुल पी आर जी का फायदा क्या हुआ, ज्यादा फ्लोराइड रिलीज और कम स्ट्रेंथ। अब थोड़ा छेड़ देते हैं पार्ट टू वालों के लिए और आईएमएम वालों के लिए, आईएमएम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नया जो आया है वो आया है री इन्फोर्स्ड एसपीआरजी। उसका फायदा क्या है, उसके अंदर तीन फेजेस हैं। फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास है, फिर एक फेज है जो कि रिएक्टेड फेज है, और फिर एक कोर है ग्लास आयनोमर की। अब फायदा क्या होता है कि इसके अंदर से और भी आयन्स रिलीज होंगे, लाइक बोरॉन, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
और इन सब के अपने अपने अफेक्ट्स हैं। खास तौर पे बोरॉन का एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, पेरोडोंटल बैक्टीरिया के खिलाफ भी।